एक बेटर फ्यूल इकोनॉमी के लिए आप अगर कार को एक इकोनॉमिकल स्पीड पर ड्राइव करेंगे तो आपको काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कार को 50 और 60 इकोनॉमिकल एक स्पीड के ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ और एक्सेलरेट इतना नहीं कर रहा हूँ जितना एक स्पेसिफिक स्पीड के लिए चाहिए होता है, उतना ही सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेट मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे को कितनी अमेजिंग जो फ्यूल इकोनॉमी है वो मिल रही है। सो अगर आपको भी ऐसी फ्यूल इकोनॉमी चाहिए तो आप अपनी कार को एक इकोनॉमिकल स्पीड के ऊपर ड्राइव करें इन सर्टेन लिमिट।